तो फिल की फैमिली आज बहुत टाइम के बाद ट्रिपल आर की टीम बोले तो रैंडी ऑर्टन, रॉक और रोमन रेंस की टीम रिटर्न आ चुकी है। लेकिन रिटर्न आते के साथ इनका मैच 2K23 के तीन ऐसे सुपरस्टार्स के साथ है ना जो अपने आप में एक एक सुपरस्टार्स काफी डेडली है, और वो सुपरस्टार्स जैसा आपको दिख रहे हैं ब्रॉक लेसनर, कॉडी रोड्स और एज स्टाइल्स है। तो चलो फिर आज की गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रिपल आर की टीम जो कि इतने दिन के बाद रिटर्न आई है वो आज के गेम प्ले में जीतती है या नहीं। और फिल आर्मी जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है आप लोग अपना काम जानते हो, मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि वीडियो को एकदम फटाक से लाइक करना है और सिर्फ 8,000 सब्सक्राइबर बच गए, 4.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे भाई फेल गेम पर। और 4.5 लाख पे एक और चीज है कि भाई बहुत ही स्पेशल Q&A प्लान करके रखा हुआ है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ही लो। तो मैच को स्टार्ट कर रहे रॉक और कॉडी रोड्स, और क्योंकि आज ट्रिपल आर की टीम रिटर्न आई है तो कुछ तो इनका जलवा दिखाना बनता है। पर सामने वाली टीम में देख रहे हो ना दो ऐसे सुपरस्टार हैं, एजे स्टाइल्स देखो ठीक भी खेल सकते हैं या नहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर तो अच्छा ही खेलेंगे ये गारंटी है। एजे स्टाइल्स का कहा नहीं जा सकता है, मैं एजे स्टाइल्स को अभी भी मानता हूँ कि 2K22 में ये जितने डेडली थे आई थिंक 2K23 में भी उतने ही अच्छे हैं। रॉक की बॉडी इतनी जल्दी येलो कर दी एजे स्टाइल्स, अभी तो तारीफ कंप्लीट भी नहीं हुई थी। वाह भाई आज लगता है ट्रिपल आर की टीम का रिटर्न एजे स्टाइल्स खराब करेंगे। दो दो फिनिशर है एजे स्टाइल्स के पास, रॉक अभी तक कैसे तो अपना फिनिशर नहीं लगाया। कॉडी ने गलती कर दी टैग देगी क्योंकि कॉडी का ऐसा फिनिशर था कि वो स्टार्टिंग में दो फिनिशर रॉक को लगा सकते थे, और फिर कॉडी के बाद जो भी टैग लेके आता एटलीस्ट एक एलिमिनेशन तुरंत का। भाई रॉक की बॉडी इतनी जल्दी ऑरेंज, रॉक की बॉडी ब्रॉक से भी ज्यादा वीक हो गई है क्या, क्योंकि ब्रॉक का 2K23 में हम लोग देखते हैं ना 2K ने पता नहीं क्या झोल किया ब्रॉक की बॉडी में, लेकिन बॉडी को ज्यादा ही जल्दी डैमेज हो जाती है। लेकिन रॉक का आज देख रहे हो दो तीन पंच पड़ा है बॉडी में, इतनी जल्दी ऑरेंज कैसे हो गई, यानी कि अब लाल भी हो सकता है एजे स्टाइल्स अगर एक आध फिनिशर लगा दो तो शायद रॉक एलिमिनेट तो नहीं होंगे एक फिनिशर में, लेकिन एलिमिनेशन के लिए बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। रॉक का हेड भी येलो हो गया, रॉक इतना मार खा रहे हो, इतना अच्छा खासा ओवरऑल इन 96, पता नहीं या तो रॉक वीक हो गए या एजे स्टाइल्स को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि रॉक का एक फिनिशर भी छीन लिया है। मैंने बोला ना 2K22 में भी एजे स्टाइल्स डेडली थे, और एजे से याद है कि हो सकता है कि रॉ रंबल 2024 में एजे वर्सेस रोमन भी हो सकता है, क्योंकि रोमन के लिए अब कोई अपोनेंट ही नहीं बच गया, या तो रैंडी ऑर्टन ही रिटर्न आ जाओ नहीं तो फिर एलए नाइट के साथ दोबारा मैच होगा तो फिर एलए नाइट बेचारा हारेगा ही, तो इसलिए दोबारा मैच मत ही करवाना। रॉक की बॉडी लाल, हेड येलो, एजे स्टाइल्स ने डोमिनेट कर दिया रॉक को, जबकि एजे का 88 ओवरऑल है, रॉक का ओ भाई साहब रॉक का 96 है, रैंडी ऑर्टन को भी पेले किक मार दिया। ओवरऑल देखकर ना सामने वाली की ताकत को आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि देख लिया ना 88 है, इस पूरे मैच में सबसे कम ओवरऑल एजे स्टाइल्स का है और सबसे खतरनाक अभी तक तो फिलहाल वही खेल रहे हैं। तो उधर रॉक को मेरी यही एडवाइस है कि अभी अगर मौका है तो टैग दे दो रोमन या ऑर्टन को, थोड़ा रेस्ट कर सकते थे, ऐसे भी एक ऑलरेडी फिनिशर छिना चुका है रॉक सर, देखो टैग दे दो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही डिसीजन है, ट्राइबल चीफ को टैग दे दिया। तो क्या ट्राइबल चीफ को डोमिनेट कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एजे स्टाइल्स अच्छा जा रहे थे, ट्राइबल चीफ ने जो टैग लिया एजे की रेजिलेंस चली गई, भाई एजे अच्छा खेल रहे थे, मेरी नजर लग गई एजे को, एजे ओ एक और फिनिशर रोमन आते के साथ ना मैच का रुख मोड़ दिया रोमन ने एक तूफानी स्पीयर देकर, पिनफॉल तो नहीं होगा लेकिन ठीक है, एजे स्टाइल्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रोमन ने आके अपना बैक टू बैक दो फिनिशर लगा दिया है। रॉक को एलिमिनेट भी कर सकते थे एजे, पर अब लगता है कि एजे स्टाइल से एलिमिनेट होने वाले, कुछ ज्यादा ही जल्दी बॉडी लाल, हेड येलो, रोमन ने बहुत मारा, ट्रिपल आर की टीम का कमबैक रोमन फेल नहीं होने देंगे। भाई साहब फुल डोमिनेट मोड ऑन था एजे स्टाइल्स का, पता नहीं रोमन ने आके जो कांड करना स्टार्ट किया, एजे भागो टैग देने, जैसे रॉक ने टैग दे दिया एजे स्टाइल्स भी टैग दे दो, क्योंकि अगर ऑर्टन या रॉक को टैग मिल गया और एक और फिनिशर एजे को लगा तो 99.9% चांस है एजे स्टाइल्स नॉकआउट हो जाएंगे, और रोमन के पूरे इरादे भाई नॉकआउट करने के, वो तो अच्छा है कि रोमन के पास फिनिशर नहीं है वरना डेफिनेटली इस टाइम पे एजे गए थे। रोमन ले जा रहे टीम अप के लिए फुल हेल्थ के साथ मारा एजे को, एजे का हेड ऑरेंज, बॉडी लाल, और अब रॉक भी मजे ले रहे हैं, रॉक गलत बात है ये, एजे को रोमन स्टंट भी करने वाले, इतना भी नहीं मारना था रोमन, स्टंट कर दिया। चलो भाई ये मूव कनेक्ट हो जाता तो एजे स्टाइल स्टंट हो जाते, भागना चाहिए एजे को, रोमन मत पंगे लो एजे, भागो टैग देने, ब्रॉक को टैग दे दो, कॉडी को टैग दे दो, अब तो दे ही देना इतना अच्छा, नहीं रोमन जाने भी तो नहीं दे रहे ना, ये देखो एजे स्टाइल्स इतना धीरे धीरे जाएंगे तो भाई पकड़ा ही जाएंगे ना। चलो भाई स्टंट अभी भी नहीं हुए, अब हो जाएंगे, हाँ चलो अब डेफिनेटली स्टंट है, पैर में लात खाने के बाद अब रोमन और पूरा भड़ास निकालेंगे, एजे स्टाइल्स की बची कुची हेल्थ अब खत्म होने वाली है।
वो तो अच्छा है भाई कि रोमन जाकर ऑर्टन या रॉक को टैग नहीं दे रहे, अब देंगे। चलो भाई एजे साइल्स को टाटा बोल दो, बहुत अच्छा खेला एजे ने, लेकिन अब टाटा बोल सकते थे, लेकिन कॉडी को टैग मिल गया भाई। लेगेसी टीम लेगेसी के ऑर्टन और कॉडी रोड्स, अगर ऑर्टन रिटर्न आ गया ना तो ये मैच शायद फ्यूचर में हो भी सकता है, अगर ऑर्टन हील टर्न हो गए तो, या फिर कॉडी हील टर्न हो गए तो अच्छा मैच होगा ना, इतने सालों के बाद कॉडी वर्सेस ऑर्टन। लेकिन ऑर्टन रिटर्न तो आए, अगर ऑर्टन रिटर्न आते हैं तो पहला मैच मुझे लगता है कि उनका रोमन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रोमन के लिए अब अपोनेंट्स घट रहे हैं भाई, नए अपोनेंट्स लाने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ सीएम पंक को वापस लेते ही आओ, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया के लायक मैच है। एजे का पूरा लक रॉक के ऊपर काम आ रहा है, देख लो अभी भी नीचे रॉक को पीट रहे, रोमन बचाने चले गए और रोमन को देखकर रॉक को भी जोश आ गया, और फिलहाल रिंग के अंदर ऑर्टन पिट रहे, ऑर्टन का हेड ऑरेंज हो गया है। आज सबका बॉडी पार्ट कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी डैमेज ही हो रहा है। फर्स्ट एलिमिनेशन रैंडी ऑर्टन का हुआ नहीं, लेकिन हेड लाल हो गया है। रेजिलेंसी जा सकती है अगर रोमन नहीं बचाते तो, रेजिलेंसी जाती बच गए। कॉडी रोड्स ने भी बहुत अच्छा खेला है। कॉडी आप देखो यहां पर ना टीम अप करना है, ब्रॉक लेसनर को टैग दो तो शायद एक एलिमिनेशन हो जाए, लेकिन नहीं कॉडी को ओके, कॉडी ने अपना सिग्नेचर भी दे दिया, दो फिनिशर एक सिग्नेचर, रैंडी ऑर्टन इसके बाद भी गए नहीं और रेजिलेंसी भी नहीं जाएगी, क्योंकि रॉक आ गए बचाने के लिए। रॉक को तो एजे स्टाइल्स कुछ करने ही नहीं दे रहे, एजे को बस मौका मिलना चाहिए रॉक की हालत खराब करने का आज के मैच में। एक और फिनिशर अगर लग जाता डेफिनेटली ऑर्टन गए थे, बच गए, पर अब ऑर्टन के पास दो फिनिशर और तीसरे की तैयारी है। ऑर्टन भी रुकेंगे थोड़ी, एक आरक्यू लग गया है, रेफरी पिन फॉल करने का तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन ठीक है फर्ज है भाई, एक बार करके देख लो। ऑर्टन एक ओके पंट किक, कॉडी रोड्स दो फिनिशर में एलिमिनेट मत होना, क्योंकि ऑर्टन नहीं हुए थे, लेकिन कॉडी रोड्स बचे नहीं है, कॉडी एलिमिनेट हो गए। पर देखो ये गलत है, पता है ऑर्टन दो फिनिशर एक सिग्नेचर सर्वाइव कर गए, कॉडी नहीं सर्वाइव कर पाए। पर अगर देखा जाए तो लेगेसी के लीडर रैंडी ऑर्टन थे, इसलिए गुरु गुरु होता है, और कॉडी का टाटा करवा दिया ऑर्टन ने सिर्फ दो फिनिशर से। एजे स्टाइल्स तीन तीन फिनिशर है, फिनोमिनल फोरआर्म, रैंडी ऑर्टन को ये तीसरा फिनिशर अगर ये कनेक्ट हो गया तो फिनोमिनल फोरआर्म कनेक्ट हो गया, ऑर्टन इसके बाद भी एलिमिनेट नहीं हुए, बताओ अब क्या किया जाए। तीन फिनिशर एक सिग्नेचर लगा दिया एजे स्टाइल्स, अब इससे ज्यादा क्या जोर बनेगा। एजे स्टाइल्स बस रॉक को मारने फिर रॉक से दुश्मनी, क्या मतलब एजे स्टाइल्स से ऐसी क्या उधारी ले ली है रॉक ने, रॉक की हालत खराब कर दी। एजे संभल कर, क्योंकि दो फिनिशर एजे को भी लग चुका है। अच्छा रोमन और ब्रॉक की हेल्थ देखो, फुल हेल्थ है दोनों की, ब्रॉक को तो अभी तक टैग भी नहीं मिला है, रोमन को तो एक बार टैग भी मिला था, दोबारा भी टैग मिल गया है। लगता है कि आई थिंक एजे स्टाइल्स का भी जाने का टाइम हो गया, रोमन के पास जैसे ही फिनिशर आया नेक्स्ट एलिमिनेशन पक्का एजे स्टाइल्स का, और ब्रॉक बच जाएंगे अकेले, 1v3 पता नहीं कैसे करेंगे ब्रॉक। लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉक और ऑर्टन की तो हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म ही है। एजे ने आज बहुत अच्छा खेला है, बस एक आध एलिमिनेशन कर दे, पर रोमन के सामने एजे की आज एक भी नहीं चली है, डबल टीम अप हो सकता है रोमन के ऊपर। ब्रॉक को फाइनली टैग मिल गया, पूरे मैच में ब्रॉक को पहली बार टैग मिला, दो दो फिनिशर है ब्रॉक, और रोमन के पास सिग्नेचर आने वाला है, बॉडी येलो है हेड येलो, ब्रॉक के पास फुल हेल्थ। अभी चाहे तो रोमन को तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, लेकिन एक आध फिनिशर तो लगा ही सकते हैं। तो अभी इस मैच में देखोगे तो भले ही ब्रॉक की टीम में से एक आदमी एलिमिनेट हो गया है, लेकिन रोमन की टीम में या ट्रिपल आर की टीम में तीनों मार खा चुके हैं, तो एक एडवांटेज ब्रॉक के पास भी है अब। अरे रे एजे स्टाइल्स को टैग क्यों दे रहे हो, मार खाए हुए थे एजे स्टाइल्स, लेकिन ठीक है ब्रॉक अपनी हेल्थ बचा के रख रहे थे, रोमन भी कम नहीं है, स्टाइल्स क्लैश दे दिया। एजे स्टाइल्स के मूव से ही एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट किया भाई, इंसल्ट टू इंजरी, असली इसी को बोलते हैं। देख लिया ना ब्रॉक अकेले बच चुके हैं 1v3, कैसे करेंगे ब्रॉक, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दो फिनिशर है ब्रॉक के पास, लेकिन दिक्कत लग रहा है भाई, ये अगर F5 कनेक्ट हो गया, हाँ चलो ठीक है, लेकिन रोमन एलिमिनेट नहीं हुआ, अभी तो पहला ही फिनिशर लगा है रोमन को। रोमन ने एजे स्टाइल्स का पूरा मोमेंटम खराब कर दिया, एजे बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन रोमन ने भाई तय कर लिया था कि वो एजे स्टाइल्स को परफॉर्म करने नहीं देंगे, एलिमिनेट कर ही के माना रोमन ने, ये गलती कर दी ब्रॉक। बैक टू बैक ना रोमन को दो फिनिशर लगाना गलती है, 90% टाइम बैक टू बैक दो फिनिशर रोमन को नहीं लगता है, तो इसलिए कुछ टाइम वेट करके लगाना चाहिए था। रोमन के पास एक फिनिशर है, रॉक के पास एक फिनिशर है, लेकिन ब्रॉक के पास अभी भी एडवांटेज है, थोड़ा सा एडवांटेज है, ज्यादा नहीं, कि उनकी हेल्थ बची हुई है, पर ब्रॉक ज्यादा देर बची नहीं रहेगी, क्योंकि रोमन ने अपना एक गिलिटीन लगा दिया है। ब्रॉक टैप आउट मत करना है, क्योंकि पहला गिलिटीन है, रेजिलेंस तो यूज नहीं की ब्रॉक लेसनर ने, ऐसे भी यूज नहीं कर पाते क्योंकि मीटर नहीं था, और अभी जरूरत भी नहीं थी। तो अभी तक इस मैच में एक एलिमिनेशन रोमन ने किया है, एक एलिमिनेशन ऑटन ने किया है, रॉक पता नहीं मार खाने आए थे क्या, रॉक सर एक फिनिशर तक नहीं दिया अभी तक,
चलो अब मौका है एक आध फिनिशर लगाने का, लेकिन लगा पाओगे? ऐसा नहीं कि ब्रॉक से एलिमिनेट ही हो जाए। ट्रिपल आर की टीम स्ट्रॉन्ग इसीलिए थी क्योंकि तीनों अच्छा खेलते थे, लेकिन आज रॉक झोल कर रहे हैं। पहले तो एजे स्टाइल से इतना मार खाए, प्लस अब पता नहीं एक भी फिनिशर अभी तक अपना लगाया नहीं है। और ब्रॉक से भी ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया। ओहो, गलत जगह मारना स्टार्ट। कोई नहीं, गिनती चालू है रॉक सर। डबल काउंट आउट कर दोगे तो भले ही ब्रॉक एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न आने के बाद ऐसी जीत मंजूर नहीं है। तो अगर जीतना तो पिनफॉल या सबमिशन या नॉकआउट से। ब्रॉक हाँ अंदर ही जाओ, रॉक भी आ जाएंगे। पांच ही काउंट है, रॉक गए क्या? तो रॉक का फाइनली टाटा होने वाला है। रेफरी की पांच बोलने से पहले आ गए, लेकिन रॉक अब रॉक को रैंडी ऑर्टन और रोमन भी नहीं बचा सकती क्योंकि दोनों स्टंट है। फिलहाल रॉक के पास यही टाइम है अभी एक आध सिग्नेचर लगाने का। दोनों स्टंट है, लेकिन पिनफॉल भी तो नहीं होगा ना। रॉक की रेजिलेंस बची हुई है, टैप आउट नहीं करेंगे रॉक, ना ना ना, लेकिन रेजिलेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, इतना मार खाने के बाद भी रॉक ने रेजिलेंस तक यूज नहीं की भाई। हाँ भले ही हार्ट डैमेज नहीं था, लेकिन इतना मार खाने के बाद तो एटलीस्ट रेजिलेंस यूज करना बनता था। पूरे मैच में रॉक ने मार खाने के अलावा आज तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं किया। अब आगे पता नहीं कुछ करेंगे या नहीं, लेकिन अभी तक मार खाने के अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं है और अपनी रेजिलेंस भी यूज नहीं की। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन मार सिर्फ खाना नहीं है ना, मारना भी है अगर अपनी टीम को जिताना है तो। फिलहाल ब्रॉक के पास ऑप्शन है कि एक एलिमिनेशन कर सकते हैं, पर जब से क्राउन ज्वेल में रोमन ने एक बार फिर से रिटेन कर लिया है ना, मैं देख रहा हूँ कल से कि भाई रोमन ने और अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया। कल रॉयल रंबल में भी बहुत अच्छा खेला, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। बहुत ही एंडिंग जो थी ना उस रॉयल रंबल की, मतलब अब वो देखोगे तभी पता चलेगा, खतरनाक एंडिंग थी। तो ब्रॉक के लिए अभी अच्छी बात ये है कि रोमन के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है, लेकिन आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि एक फिनिशर ऑलमोस्ट रोमन का आ ही गया है। रोमन जा रहे टैग देने किसको, रॉक को मत। अरे रॉक को अच्छा बने दिया क्योंकि रॉक ने आज के मैच में कुछ नहीं किया मार खाने के अलावा। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिपल आर की टीम को चेंज करके डबल आर बना दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोई भी अच्छा नहीं खेलता है, तो आज रॉक का दिन खराब था ये बोल सकते हो। वैसे समझ लो कि अगर रॉक को हटाता हूँ टीम से तो रॉक की जगह आर नाम से कौन सुपरस्टार आ सकता है, और ये जरूरी है कि आर ही नाम से होना चाहिए। तो समझ लो फिलहाल भी अगर आपको मौका मिले कि रॉक को रिप्लेस करके आप कोई एक और डाल सकते हो ट्रिपल आर टीम में आर नाम से सुपरस्टार, तो किसको रखोगे? रिया रिप्ली मत बोलना, मेल सुपरस्टार की बात कर रहा हूं मैं। रॉक जितना हो सके फिनिशर अवॉइड करना क्योंकि ऑर्डन के पास भी एक फिनिशर एक सिग्नेचर है। रॉक अपना F5 क्यों नहीं लगा रहे, या कमूरा लॉक ही लगा देते, अब ऑर्डन लगाएंगे आरक्यू। अच्छा, गेम ने भी इस चीज को बनाया है कि आरक्यू से ज्यादा डेंजरस पंट की और ऑर्डन वही देने जा रहे हैं पंट की। ये दूसरा फिनिशर है रॉक, दो दो पंट के मार के दो लोगों को एलिमिनेट किया आज ऑर्डन ने। ऑर्डन ने तो बवाल खेला भाई। तो फेल गेम फैमिली, कल की वीडियो मिस कर दिए तो वो स्क्रीन पे बन रही होगी, उस पर क्लिक करो, उसको जाकर देख लो। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।